मुझे ऐसा लगता है कि इस तरीके के जो अवार्ड्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं वो कहीं ना कहीं हम लोग के लिए बहुत बड़ा एक मोरल बूस्ट करते हैं, बिकॉज आप डेली में अपना काम जो कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, बट उसके अलावा इस तरीके के अवार्ड्स दे गिव यू लॉट एंड लॉट ऑफ एनर्जी ताकि आने वाले टाइम में आप और भी काम कर सकें और आप भी अपना और अपनी फैमिली का काम कर सकें। एग्जैक्टली, सो दिस इज अ कॉस्ट्यूम विच इज बीइंग डिजाइन बाय श्रीरा अंकित अरोड़ा, दैट्स योर स्टूडियो 167 एंड आई एम कमिंग ऑल द वे फ्रॉम उत्तराखंड, सो आई थैंक माय डिजाइनर फॉर दिस ब्यूटीफुल कॉस्ट्यूम आउट हियर, सो आई फील ग्रेट एंड ऑन क्लाउड 9। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। पहली बात तो मैं कल्याण जी को, पटरी अम्मा को और पूरी डीकेएस की टीम को मेरे तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगी। और इतने पैंडमिक में और ऐसे सिचुएशन में ये अवार्ड आयोजित करना बहुत बड़ी बात है, तो इस अचीवमेंट के लिए मैं पूरे टीम को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी। और ये नारी शक्ति अवार्ड पाकर बहुत ही बहुत ज़्यादा एम्पावर्ड फील हो रहा है और स्पेशली इंडियन वूमेन होने का बहुत ही प्राउड है। सो जय महाराष्ट्र, जय भारत। थैंक्स मैम, ये अवार्ड मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, बट फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक कल्याण जी जाना पटरी को जो लास्ट मिनट में वेन्यू चेंज होने के कारण भी इतना सक्सेसफुल शो कर रहे हैं। आई थिंक नारी शक्ति सबके भारी है, डीपीएस टीम रॉक्स। आज नारी शक्ति आयकॉनसाठी आज मला नाव माझं निवडलं गेलं त्याच्याबद्दल कल्याणजीचे खूप आभार मानते। दुसरी गोष्ट म्हणजे नारी वास्तल्य आहे, माया आहे, प्रेम आहे, नारी आहे म्हणून समाज आहे, संस्कार आहे। आणि आज आपल्याला एक आपण समाजामध्ये आलोय तर आपल्याला समाजासाठी काहीतरी चांगलं केलं पाहिजे, आपल्या समाजाला देणं काहीतरी गरजेचं आहे म्हणून प्रत्येक नारी आज कार्यकर्ते आहे, कार्य बऱ्याच समाजसेविका करते। तर माझं असं म्हणणं आहे की नारी आयकॉन अवॉर्ड हा जो आम्हाला दिलेला आहे असंच नारी शक्ती प्रत्येकाला हा अवॉर्ड भेटला पाहिजे, त्याच्यासाठी समाजामध्ये चांगले कार्य करा, काही निस्वार्थपणा निस्वार्थपणाने कामं करा, काही स्वार्थ ठेवू नका। अशा काही संस्था आहेत त्यांच्यावर मी जोडली आहे आणि त्या संस्थेने आज मला हा नारी शक्ती आयकॉन अवॉर्ड दिलेला आहे आणि असाच अवॉर्ड प्रत्येक नारीला भेटावा ही शुभेच्छा देते। थँक्यू, जय महाराष्ट्र। और जो कल्याण जी जाना है जो ऑर्गेनाइजर, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं बीना शाह, फाउंडर ऑफ स्माइली सोल फाउंडेशन, बहुत सारे सोशल वर्क करते हैं हम, बट कल्याण जी जाना जी को देख के बहुत सारी इंस्पिरेशन मिलती है हमें, क्योंकि वो जिस तरह से रोटी कपड़ा बैंक में काम करते हैं हम उनको देख के ही काफ़ी कुछ सीखे हैं और बहुत सारा सोशल वर्क इस फील्ड में करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच कल्याण जी, राना सर जी फॉर गिविंग मी दिस नारी शक्ति अवार्ड। थैंक यू, थैंक्स मैम, थैंक्स अ लॉट। वेल, नारी शक्ति अवार्ड इज अ वेरी वेरी बिग अवार्ड एंड कल्याण जी के शो तो हमेशा ही बहुत अमेजिंग और फैंटास्टिक होते हैं एंड दिस इज अ वेरी बेस्ट अवार्ड, लाइक अ बेस्ट डायनामिक सोशल एक्टिविस्ट अवार्ड। एंड एक बहुत ही बड़ी बात होती है सोशल एक्टिविस्ट होना एंड आज ये अवार्ड मिल रहा है, सो एक नारी सब पे खड़ी, ऑल आई कैन से दैट। एंड थैंक यू सो मच दैट आई एम रिसीविंग दिस अवार्ड एंड थैंक्स टू ऑल द मीडिया पीपल फॉर ऑलवेज बीइंग विद अस एंड थैंक्स टू कल्याण जी जाना एंड एवरीवन। चीयर्स फॉर DPIAF। And what about you? What about you? You also organize awards and all these things. I mean, yeah, I do my pageant show. जैसे आप लोगों ने हमेशा support दिया India के लिए, क्योंकि ये मेरा खुद का show है जहाँ पर हम age, weight, height, skin color या language का कोई barrier नहीं है, हम women empowerment और LGBTQ को support करने के लिए ये show कर रहे हैं। So please, please do participate. जिससे भी interest है show में participate करना है। Ma'am, are you planning coming in Bollywood debut? Bollywood में आप सारे कोई song आप चांस मिला रहे तो मैं जरूर आऊंगी। तो इरादा है आप अपने सॉन्ग करने का? मेरे लाइफ का एक सिंपल सा फंड है, जब भी मेरी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आती है तो मैं ग्रैब कर लेती हूँ, वो सिंपल है। मैं कोई चीज फिक्स नहीं करती, आई आई ऑलवेज से अनलिमिटेड, मेरी बुक भी है चीज अनलिमिटेड, सो आई एम अनलिमिटेड। थैंक यू, थैंक यू। मेरा नाम आचिल राय है, मैं एक एयर होस्टेस रह चुकी हूँ और अभी मैं मेकअप और हेल्थ में घुस चुकी हूँ। चाहती हूँ कि सब फिट रहे, सुंदर दिखे, यही चाहती हूँ मैं। आप सब स्ट्रेस मत लीजिए, बिंदास रहिए, स्ट्रेस दीजिए, लीजिए मत, ओके।
मैं यही कहूंगी आप लोगों से. और ये जो अवार्ड मुझे मिला है ये आप देख रहे हैं, इट्स लाइक यू नो ये मुझे एक बूस्ट और एक मोटिवेशन के लिए बहुत ही अच्छा चीज मिला है जिससे मैं बहुत आगे बढ़ सकती हूँ और खुद को शाबाशी दे सकती हूँ अकेले अकेले यू नो कि हाँ कोई तो मुझे सपोर्ट करने वाला. थैंक यू सो मच गाइस. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं हूँ कंचना कमल मोदा, मैं फैशन डिजाइनर, एक्सेसरी डिजाइनर, सीईओ इंडिया प्रिंट एजेंसी. एंड यहाँ पे ये नारी शक्ति अवार्ड कल्याण जी गाना टीम जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया है. इतने टाइम से भी पैंडेमिक चल रहा है और ऑनलाइन इवेंट्स चल रहे हैं, ऑफलाइन इवेंट्स चल ही नहीं रहे, सब कुछ ऑनलाइन है. तो यहाँ पे इतने लोगों को देख के जो अक्रॉस द कंट्री से आए हैं और सब जो वुमेन को एम्पावर कर रहे हैं, जो इतना सम्मानित करके ये प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कल्याण जी गाना और उनकी टीम को बहुत बड़ा थैंक यू बोलना चाहूँगी एंड कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी कि उन्होंने बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव किया. उनके हमेशा ही अलग अलग जो फंक्शन आते रहते हैं, इट इज़ लाइक अमेजिंग. सो बहुत अच्छा फीलिंग है और एक बूस्ट ऑफ कॉन्फिडेंस हो रहा है यहाँ पे. सो थैंक यू वेरी मच फॉर ऑनरिंग मी विद दिस अवार्ड. थैंक यू सो मच. थैंक यू. धन्यवाद करती हूँ दादा साहब सोसाइटी का जिन्होंने मतलब
पे मुझे आमंत्रित किया, मुझे सिलेक्ट किया क्योंकि मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ। कोरोना काल में मैंने बहुत मेहनत से काम किया है और पिछले 10 साल से मैं समाज सेवा कर रही हूँ। हर नारी में नौ युवा का शक्ति होता है, कल्याण जी जनता सर और पूरी दुनिया इस बात को मानती है। सिर्फ एक ही चीज कहना चाहूंगी, प्रीत में राधा बने, गृहस्थी में जानकी, शीशकाल काली बने। जब बात हो सम्मान की, नारी को हर रूप में हमेशा अग्रसर होना चाहिए, तभी हमारे समाज का विकास होगा। धन्यवाद। दुनिया का सबसे प्यारा बच्चा कौन सा होता है? हर माता बच्चा जो होता है वो तारीफ है। उन महिलाओं के लिए भी उन्होंने आज नारी शक्ति अवार्ड रखा है और ये कोरोना काल में कोरोना के सभी नियमों का पालन करके एक बहुत अच्छा कार्यक्रम ये 5-स्टार होटल में उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है। मैं उनको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ और बेस्ट ऑफ लक देता हूँ। ऐसे ही लोगों को मोटिवेट कीजिएगा, ऐसे ही छोटे छोटे प्लेटफॉर्म से बहुत बड़े बड़े चेहरे उभर के आते हैं। निश्चित तौर पर उनका कार्य बड़ा कॉन्ग्रेचुलेटिंग है। बेस्ट ऑफ लक एंड बेस्ट ऑफ ऑल लक टू यू ऑल। थैंक यू। ओके, सो नारी सम्मान की कितनी मतलब जो आज जो इनिशिएटिव लिया है, क्या कहना चाहेंगे उस बारे में? नारियों को सम्मान देना कितना जरूरी है आज के टाइम पे? नारियों को तो सम्मान देना ऑब्वियसली बहुत ज्यादा जरूरी है, आज के जमाने में हमेशा है। हमेशा है। नारी शक्ति का अवार्ड वेरी थैंक्सफुल कि जैसे सशक्त नारियों की भूमिका निभाने का अवसर मिला है। जिनकी कहानियाँ हम बचपन से सुनते आए हैं, मैं सुनकर बड़ी हूँ, चाहे वो सीता जी हों, पार्वती जी हों, लक्ष्मी जी हों। और इस अवार्ड को थैंक माय फैमिली एंड माय ऑडियंसेस जिन्होंने मेरे इतना पसंद किया, मुझे इतना प्यार दिया। थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू अवार्ड कमिटी फॉर बेस्टोइंग दिस ऑनर। थैंक यू सो मच। डॉक्टर कृष्ण मंगाला को भी है जो होम्योपैथी के बहुत बड़ी डॉक्टर है। शाहरुख जी को तो सब जानते हैं। ये चैन कोहली है जिन्होंने बहुत सोशल वर्क किया है, सारे सेट के ऊपर ब्लड कैंप भी लगाया था। और ये विनायका कोहली मैम है द बेस्ट प्रोड्यूसर, सच अ काइंड पर्सन, फ्रॉम हार्ट। लेकिन सच्ची मैं आप लोगों को सल्यूट करना चाहती हूँ। रोज हर जगह जाते हैं, भीड़ में ये वो अपना काम बड़ी शिद्दत से निभाते हैं और बहुत जरूरत है आप लोगों की, तो थैंक यू सो मच। आपको सच्ची कोटि कोटि प्रणाम, मेरे हर टेक्नीशियन को, आप लोगों को सच्ची। आप इसलिए नहीं कि आप फोटो ले रहे हैं, बट इसलिए कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप सबका मैं यहाँ पे सम्मानित किया जाए, कितना प्राउड फील हो रहा है ये देख के कि नारियों को यहाँ पे सम्मान मिल रहा है। मैं नारी थी शायद 50 साल पहले, अब मैं बुजुर्ग हूँ और मगर मुझे इतना अच्छा लग रहा है इन सबसे मिलके
क्योंकि इन लोगों ने कितना काम किया। हो सकता है कि शुरुआत हम लोगों ने की थी अपने जमाने में, और अब देखो कि कहाँ कहाँ तक लड़कियाँ आज कौन से क्षेत्र से जिन्होंने अवार्ड जीता है, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं इनकी माँ बन गया हूँ। एक जमाना था जब गलती नारी का स्थान सिर्फ गलती चाहती थी तब से लेकर, लेकिन आज मैं कहती हूँ कि सागर की अपनी गहराइयों से लेकर आकाश की अनंत ऊंचाइयों तक नारी ने हर जगह अपना परचम फहरा रखा है, वो किसी भी क्षेत्र में कहीं कम नहीं है, और अभी हम ओलंपिक में भी यही देख रहे हैं, तो हमारी नारियाँ किसी से भी कम नहीं है, वी आर प्राउड ऑफ दैट। तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, और हम नारियाँ इतना जीवन में घर भी संभाल रही हैं, समाज भी संभाल रही है, परिवार भी संभाल रही है, और देश भी संभाल रही है, तो सारी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रही हैं। और जैसे कहते हैं ना कि एक बहना परिवार का गहना, भाभियाँ घर की चाबियाँ, माता जिसके गीत हर कोई गाता, नानियाँ की भाभियाँ, महारानियाँ, दादियाँ बच्चों की कहानियाँ, बुआ जो हरदम देती थी, ताई जिसने घर भर में सुगंध फैलाई, चाची हर जिसकी हर बात साची, पत्नी हर कदम की संगीनी, और मामियाँ जानू की झपियाँ, और मासी माँ के जैसी, माँ के जैसी। तो इतने तरह के हम पूरे जीवन में रोल निभाते हैं, और हंसते हंसते निभाते हैं, चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाई आए, लेकिन अपने परिवार को हमेशा प्रेम और प्यार से बुलाते हैं। इसलिए मुझे अपने एक नारी होने पर, अपने वजूद पर मुझे बहुत गर्व है। ये मेरा पहला अवार्ड है मुंबई वर्क फॉर टेलीविजन एंड डायरेक्टली नारी, यू नो, नारी शक्ति सम्मान अवार्ड, नारी शक्ति आईकन अवार्ड, सो ऑफकोर्स इट मीन्स अ लॉट। एंड वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ जो हमारी कंट्री चल रही है वो देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एज ऑफ नाउ वर्किंग फॉर हाउसिंग फ्रीडम बटन, अभी मुझे कुछ महीने हुए हैं, 4-5 महीने हुए हैं, सो आई एम होपिंग टू डू एन एक्ट्रेस प्रोडक्शन, लेट्स सी आगे क्या रहता है। अभी तो मलाइका के कैरेक्टर को मैं एंजॉय कर रही हूँ, क्योंकि वो बहुत ही डिफरेंट कैरेक्टर है, जैसे ही मैं वो सिर्फ ऑपोजिट टॉम बॉय हरियाणवी रोल है, एंड इतनी स्टाइलिश तो बिल्कुल नहीं है, सो इट्स रियली फन। आई थिंक मैं फिलहाल अपने कैरेक्टर रोल पे ज़्यादा फोकस करती हूँ। हर काल में उसको अपने अपने और मैं उस टीम का हिस्सा हूँ, और हमारी पूरी टीम मेहनत आप देखिए किस तरह से प्रोसेस कम्प्लीट किया है, और एक अचीवमेंट कर रहे हैं हम लोग, डे बाई डे बड़ा टारगेट रीच कर रहे हैं। और नारी शक्ति जो है हमारा पहला अवार्ड है, और पहली बार हम नारियों को, ऐसे नारियों को अवार्ड दे रहे हैं जो लाइफ में कुछ अचीवमेंट कर रहा है या कुछ मोटिवेशन दे रहे हैं औरों को, ऐसे नारियों को अवार्ड दिया जा रहा है। इसके बाद शाम को छत्रपति शिवाजी अवार्ड है जो कई बड़े कलाकार और कई बड़े दिग्गजों को अवार्ड दिया जा रहा है, तो मैं तो साथ में हूँ और विश कर रहा हूँ कल्याण जी को कि अपकमिंग इससे बड़ा। ओके, थैंक यू।